जी हाँ दोस्तों, नेतन्याहू सरकार की उन्हीं की लोगों के बीच जबरदस्त बेइज्जती हुई है, जिसका तमाशा पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। दरअसल दोस्तों, इसराइल में सुप्रीम कोर्ट सिस्टम में बदलाव को लेकर नेतन्याहू की सरकार एक नया बिल लेकर आई है, जिस पर संसद में बड़ा हंगामा हुआ है। वहीं 10,000 से ज्यादा लोगों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए देश भर से लोग बस, ट्रेन और कार से यरूशलम पहुंचे। इस दौरान उनके हाथ में इसराइल के झंडे, मेगाफोन और बैनर थे और वो लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता से जुड़े नारे लगा रहे थे। आप फोटो इमेज स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इसराइल वो जालिम यहूदी कौम है जो फिलिस्तीनी मुसलमानों को सताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, मगर अब वही जालिम यहूदी कौम अपनी ही लोगों के बीच अपनी करतूतों की वजह से बुरी तरह फंस गए हैं। और अब इजरायली आवाम को भी ये बात समझ में आ गई है कि नेतन्याहू सरकार का इरादा कितना खतरनाक था। पहले तो फिलिस्तीन के लोग इससे डरते थे, अब इजरायल की आवाम भी खुद अपनी ही सरकार से डरने लगी है। दोस्तों, संसद में सरकार के लाए गए नए कानून पर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी जमकर हंगामा किया। स्क्रीन पर जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये उसी बैठक की वीडियो है जिसके अंदर आप हाथापाई होते हुए भी देख सकते हैं किस कदर नेतन्याहू की सरकार पर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने लतार लगाई है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं संसद में इजरायली सरकार की ये हालत हो गई है। दोस्तों, ये तो सिर्फ आपने संसद के अंदर का नजारा देखा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। अब आइए आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर का नजारा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है संसद के बाहर का मंजर। लोग झंडे लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी लगा रहे हैं और ना जाने सरकार के खिलाफ क्या क्या कहे जा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने नए कानून को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। जी हां, और कहा है कि नेतन्याहू की सरकार देश को बर्बाद करने के चक्कर में है, देश को आतंकवादी बनाने के फिराक में है। दोस्तों, आपको बता दूं, जहां एक तरफ फिलिस्तीन के लोग इजरायली सरकार के विरोध कर रहे हैं, अब वहीं खुद इजरायल के लोग भी नेतन्याहू की सरकार के विरोध करने में लगे हैं और खूब जमकर नेतन्याहू की सरकार की बेइज्जती की गई है। दोस्तों, यहां कलाम पाक की मुझे एक आयत याद आ रही है, इरशाद रब्बानी है, वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। दोस्तों, ये जालिम यहूदी सरकार हमेशा दूसरों को रुसवा करता था, मगर आज ये खुद अपनी ही लोगों के बीच रुसवा होकर रह गया है और बदला में जमाना हो गया है, जिसका तमाशा पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि इजरायली सरकार को किस कदर संसद में लतार लगाई है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार नेतन्याहू की सरकार कानून में क्या बदलाव करने जा रहे हैं जिसकी वजह से लोकतंत्र में खतरा बताया जा रहा है। तो आप भी जानना चाहेंगे तो जान लीजिए। आपको बता दूं, दरअसल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने देश की न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट में कुछ बदलाव का प्रस्ताव किया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट संसद में पास कानूनों को आसानी से आम जनता पलट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यही नहीं, इसी के साथ कोर्ट के जजों को चुनने में भी सरकार की भूमिका में इजाफा होगा, सरकार की इख्तियार होगी। यानी कुल मिलाकर यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट और जजों पर नेतन्याहू सरकार की भूमिका होगी, उनकी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला होगा और आम नागरिकों की इस मामले में कुछ भी नहीं सुनी जाएगी। कितना खतरनाक इरादा है, यानी उनसे उनका इख्तियार भी छीन लिया जाएगा और इस कानून से पूरा पूरा फायदा सिर्फ नेतन्याहू की सरकार को होगा। दोस्तों, इस खतरनाक इरादे को इजरायल के लोगों ने जाना और प्रदर्शनकारियों ने इस बदलाव को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है और कहा है कि ये सरकार तो देश को डुबाने के फिराक में है, देश को बर्बाद करने के चक्कर में है। यही नहीं, टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू की लीडरशिप में ये 6 दलों की गठबंधन सरकार देश के इतिहास में अब तक की सबसे कट्टरपंथी सरकार है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसी सरकार की वजह से फिलिस्तीन में जुल्म ज्यादती और बढ़ेगी, दोनों के माबैन दोनों के बीच और भी संघर्ष बढ़ेगा। दोस्तों, खैर, इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद नेतन्याहू सरकार की इस कानून को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।